नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ बहुत सारी अपडेट स्टडी वीज़ा के बारे में हो, MBBS के बारे में हो, चाहे स्पाउस वीज़ा के बारे में हो, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हो। आज का जो हमारा मेन अपडेट है, जो लाटविया के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि लाटविया के वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं। क्योंकि पिछली जो वीडियो मैंने बताई थी कि अगर आप लाटविया में जाना चाहते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है और वीज़ा कैसे लेना है, तो लोगों ने अप्लाई तो किया लेकिन उसको ज़्यादा मजाक में ले लिया। क्योंकि मैंने उसमें साफ साफ बताया था, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट 100% सेट बैठ रहे हैं, एलिजिबिलिटी 100% सेट बैठ रहे हैं, तभी आप वहाँ पे अप्लाई करें। अदरवाइज़ आप अप्लाई ना करें, आप डॉक्यूमेंट को पूरे करें तब जाके वहाँ पे अप्लाई करें। इस बार जितने भी बच्चों के रिफ्यूज़ल है वो उन बच्चों की आ रही है जिनकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं बैठ पा रही थी। कईयों का 6 साल का गैप था, कईयों की एज ज़्यादा थी, कईयों ने विदाउट एलएस अप्लाई किया था। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है। तो आज मैं बताऊँगा अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं आपने किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप 12th पास है या ग्रेजुएशन पास हैं, अगर आपका 1-2 साल का गैप है तो आप वहाँ पे आप विदाउट आयल्स अप्लाई कर सकते हैं, बस आप आर्ट्स के स्टूडेंट ना हो। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको आयल्स करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका वीज़ा निकलेगा। अगर आपका आफ्टर स्टडी 4 या 5 साल का गैप है तो आपको आयल्स देना पड़ेगा, 5.5 मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट है, तभी आप वहाँ पे वीज़ा ले पाएंगे। अगर आपकी इंग्लिश फर्राटेदार अच्छी है तो भी आप वहाँ से वीज़ा ले सकते हैं, बट रिजेक्शन चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इस बार लाटविया में बहुत ज़्यादा रश है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, चाहे बैचलर के लिए हो चाहे मास्टर के लिए हो। कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे थे, आयल्स भी था और जो ज़्यादा कोई गैप भी नहीं था, परसेंटेज भी अच्छे थे, तो भी उनका रिफ्यूज़ल आया था। रिफ्यूज़ल का कारण यह था कि उनकी इंग्लिश प्रॉपर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, मतलब कि वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, कुछ सवालों को जवाब देने थे वो दे नहीं पाए, उनको फीस नहीं पता कितनी मैंने भेजी है, पर खुद अप्लाई किया था या एजेंट से अप्लाई किया था। अगर एजेंट से अप्लाई करवाया था तो एजेंट का फ़र्क बनता है, तो उसकी तैयारी करवाएं, एक एक चीज़ डाउट क्लियर करें, तब वहाँ पर जाके VFS में भेजें, तब जाके उसके फाइल सबमिशन, तब उसकी इंटरव्यू क्लियर हो। क्योंकि लाटविया में वीज़ा लेना बहुत ही ईजी है, लाटविया में वीज़ा तभी आपको मिल पाता है अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं। अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते तो आप वहाँ पे बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि जितने बच्चों के वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं वो सब इंटरव्यू क्रैक करने की ना वजह से हुए हैं। अगर आप वहाँ पे अप्लाई करें आप हमेशा अपना 100% बेस्ट दें। अगर आपका एज 28 से ज़्यादा है तो वहाँ पे ना अप्लाई करें। अगर 28 से ज़्यादा है तो आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम एज आपकी 27 या 28 तक होना चाहिए। अगर गैप भी ज़्यादा है तो आईएलएस के साथ अप्लाई करें। अगर आप गैप नहीं है, अभी आप रिसेंटली पास हुए हैं, 60% से नंबर ज़्यादा है CBSE बोर्ड या पंजाब बोर्ड इंग्लिश मीडियम में आपकी स्टडी है, तो आप वहाँ पे अप्लाई करें, आप इंटरव्यू प्रॉपर तैयारी करें। क्योंकि यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू क्लियर करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि उनको पता है बच्चा आएगा हमें फीस आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा यूनिवर्सिटी को, एम्बेसी को ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने वीज़ा देना है, अपनी कंट्री की सिक्योरिटी देखनी है, तब जाके वो वीज़ा देते हैं। वीज़ा लेने के बहुत सारे डाउट क्लियर करने पड़ते हैं, वहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं A to Z। जो पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोडक्शन शुरू होता है। इस सितंबर इंटेक में जितने बच्चे रिफ्यूज़ हुए हैं, रिफ्यूज़ल लेटर के साथ साथ उनको स्टैंप भी लगा के दे दिया पासपोर्ट के अंदर। अगर वो बच्चे दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं दोबारा अप्लाई कर सकते हैं उसी यूनिवर्सिटी में, बस आपका वो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करें, 100% बेस्ट दें, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं आप दूसरी कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका बजट कम है। अगर आपका बजट अच्छा है तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका जो पासपोर्ट है इसमें स्टैंप लग चुका है, रिफ्यूज़ल आ चुकी है, अपना पासपोर्ट को चेंज कर लें। कुछ कंट्री है जो डाटा के साथ मतलब नहीं रखती है कि उनका वहाँ से रिफ्यूज़ है तो यहाँ से भी रिफ्यूज़ कर देंगे हम, तो 2-3 कंट्री हैं जो आराम से आपको वीज़ा दे सकती है अगर आप लाटविया से रिफ्यूज़ हैं। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है लाटविया में या अदर किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर एडमिशन के बारे में, या वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में, या वीज़ा आ गया है तो उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप नीचे लिखा कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो भी अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो लाटविया के बारे में तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।